नमस्कार 30 जिला 30 रिपोर्टर को आपण मानको स्वागत करछु तपन आसु नजर पकाइबा हम प्रतिनिधि माने आज ग्राउंड जीरो रे केऊ जिला रे उपस्थित अछंती एवं सेठारो ग्राउंड जीरो रो स्थिति संपर्क रे आपण को कोन तथ्य देउछंती प्रतिरक्षा विभाग रो गुप्त तथ्य लीक मामला रे गिरफ होई विचार विभाग जेल रे थिबा 5 जण अभियुक्त को आज क्राइम ब्रांच 7 दिनिया रिमांड रे नेइछि त हमें कहि परिबा पाखाबाकी 4टा समय रे कडा सुरक्षा बळ मध्य रे जेल रे थिबा जो 5 जण अभियुक्त को आज क्राइम ब्रांच से हेफाजत में 7 दिनिया रिमांड में नहीं तो एनिक आम कहीपर जो गुप्त तथ्य लीक मामलें अभियोग 5 जण गिरफ होते तो से आज क्राइम ब्रांच अधिक पचराउचरा करने कटक अभिमुखे नहीं तो कहींपर कि भाव ये गुप्त तथ्य लिंक मामलें से विदेशी युवती सहित लिंक आसते केते टा लेनदेन होता है केते थर से सोशल मीडिया चैट करते कौन कौन सब तथ्य से अधिक छानबीन करने 7 दिनिया रिमांड में नहीं क्राइम ब्रांचर टीम तो आम कहीपर एम को भिन्न भिन्न स्थान पचराउचरा कर सत गोल तो एम के दूर कौन तथ्य लिक करते केत सत उगड़ा देखार बाकी रही कमुची बैतरणी जलस्तर अंपटे तलिया अंचल बना परिस्थिति हो पड़ी संगीन भद्रक जिला धामनगर ब्लक धूसरी अंचल शह शह ग्राम एवं हो पड़ी जलबंदी लोकों घर भितर एवं बनापा मारुची लहड़ी गाँ दाण्डर वर्तमान पेटे पेटे पा लोक मैंने वर्तमान आश्रय नहीं छात उपरे तेब बैतरण जलस्तर कमुवा बेले तलिया अंचल बना परिस्थिति देखा मिलूँ धामनगर ब्लक हसनाबाद पंचायत अनलढ़ अंचल पखापाखि 70 परिवार एवं तीन दिन हम जलबंदी अवस्था रही सुखिला खाद्य खाई नाई नथिबा असुविधार सम्मुखीन होती 70 परिवार अन्यपटे गृहपालित पशु मैंने से बन्या जल पड़ रही अन्यपटे आम जदि कहीपर यह बन्या प्रभाव में पखापाखि शह शह हेक्टर धान चाष संपूर्ण नष्ट हो धान बिल उपरे वर्तमान बन्या जल थल दौना तेरे निश्चित भाव प्रशासन एम पाखे आसी पहुँचवा दरकार जदिओ गत काली जिलापाल घटना परिदर्शन करते अद्यावधि लोकों पाखे कौन सहायता पहुँची पारिना जेहेतु लोक मान घर भितर पा पशि लोक मैंने रोषवास करुखिला खाद्य खाई रोचा अंपटे जदि कह धामनगर ब्लक भाई परिस्थिति तीड़ी ब्लक कथा कह चांदवाली ब्लक कथा कह जेहेतु ऊपर मुंडे जलस्तर कमुची तलिया अंचल जलस्तर वृद्धि पाँच तबे साधारण जीवन जीविका संपूर्ण ठप हो पड़ी जेहेतु समुद्र अशांत रही बन्या जल कमार बाधा सृष्टि होबे जहाँ सूचना रही अंपटे आग को जो आसूरी आउ एक लघुचाप निश्चित साधारण लोक मन भितर भयर वातावरण देखाई बालीगुड़ा थाना अंचल रे दुईटी अंचल रे दुई दुईट हत्याकांड एवं बालीगुड़ा अंचल रे आलोचना सृष्टि जदि कह गत जो रही रेबिंगिया अंचल रही है रेबिंगिया अंचल नवघन साहू नामक एक व्यक्ति को घर कली कली लगी समय भीम बेहरा घर घर कली स्वामी स्त्री भितर गंडगोल लगी समय नवघन बुझे जा समय गुड़ी कर जो हत्याकांड घटना आसी परमपांगा अंचल पांगुरमिला अंचल जंगल मजरे गोटे बापा पुओ मिसी सान पुओ को मारी पोति हत्या भि घटना एवं बालीगुड़ा अंचल एक चांचल्यकर सृष्टि कर जो परमपांगार घटना आसी गत काली संध्या समय जिते जमापड़ा गाँ लोक जो जानी और पुलिस पक्ष जो सूचना मिलता पुलिस उक्त जगह को पहुंची आज जाता और आज पहुँचापर उक्त शव को उद्धार करके आनी बालीगुड़ा उपखंड चिकित्सालय शव व्यवच्छेद रखाई अंपक्ष जो नवघन जो मृत्यु होती गुड़िकाण्ड मृत्यु होती ये गुड़िकाण्ड मृत्यु घटन आज बालीगुड़ा उपखंड शव व्यवच्छेद नवघन शव को अणाई तेज जो भाव में बालीगुड़ा थाना अंचल दुई दुईट हत्याकांड घटे एवं यह गोटे संपूर्ण रूपे अलग रही जो कार्यक्रम रही अलग हत्याकांड रही हत्याकांड को नहीं आलोचना विभिन्न महल में आलोचना सृष्टि जो भाई भाव में बापा पुओ मिलित भाव में पुओ को हत्या कर लज्जाजनक परिस्थिति सृष्टि और विभत्स हत्याकांड भी धरा जा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिवस सबुआड़े पालन करा बेले उड़ीसा राज्य छात्र कांग्रेस द्वारा बेरोजगार संख्या बढ़ी जा थवर बेरोजगार दिवस पालन करा जाए बालसा जिला सोरो कॉलेज छक निकट
सरोज छात्र कांग्रेस एनएसयूआई रो छात्र माने अभिनय उपारे पकोड़ी और गुपचुप बिक्री करी एही बेरोजगार दिवस पालन करछंदी। छात्र कांग्रेस रो छात्र माने एक रैली काढ़ी सोर अंचल को बुली थे और स्लोगन दे थे कि बेरोजगार संख्या बढ़ी थ केन्द्र सरकार एति प्रति न्याय दूषित होगा दरकार। पुणी कलेज छक आसी अभिनव उपाय पकोड़ी और गुपचुप बिक्री करते और समस्त अंचल लोक मान को जन कि बर्तमान बेकारी संख्या बहुत बढ़ी जा प्रधानमंत्री जन्मदिवस यही बेरोजगार दिवस पालन कर छात्र कांग्रेस युवक मैंने अंचलवासी को जन कि प्रधानमंत्री 2019 जहाँ मंतव्य रखी थे कि बेरोजगार संख्या कमीजी और साधारण छात्र छात्री मैंने रोजगार पाइबे किंतु या संख्या बर्तमान रोजगार पाया बदल बेरोजगार संख्या बहुत अधिका बढ़ी जाइए। यथाशीघ्र केन्द्र सरकार एति प्रति दृष्टि दे कि भाई युवक मैंने देश में रोजगार पाइबे और आत्मनिर्भर हो पारे एथप्रति दृष्टि देवा निहाती आवश्यक हो पड़ी बोली छात्र कांग्रेस नेता मैंने मत रखिदे। ये अभिनव उपाय गुपचुप और पकोड़ी बिक्री कर जनसाधारण को जन कि प्रधानमंत्री जन्मदिवस बेरोजगार दिवस पालन कर कि समस्ते सचेतन हो देश प्रधानमंत्री एथप्रति निहाती दृष्टि देवा आवश्यक हो पड़े। राज्य सरकार नारा गाँ को कम माँ को सम्मान से नारा आज नारे रही भाया देखा मिली। आम आज आँचीचु चकापाद ब्लक अंतर्गत शिकगुड़ा ग्राम से जहाँ फुलवाणी मुख्यालय 60 किलोमीटर दूर से रही आम आज जीरो ग्राउंड जीरो को आसिकी स्थितर समीक्षा कर गाँ को आसवाक एक मुख्य रास्तार एक ब्रिज ये विगत बर्षे भासी जाइए जहाँफल ये गाँटी पूरा बाह्य जगत रू विच्छिन्न भाई अवस्था रही ना ब्लॉक मुख्यालय कहतु बा जिला मुख्यालय कहतु मेडिकल कहतु बा मार्केट कहतु गाँ लोक ना जापार ना आसी पार बर्तमान बर्षा किसी अंश कमिया पर गाँ लोक मैंने से अंटे पाने पशि सैकेल को कांधे धरी पार हो बहु कष्ट आर पारि को जापत कहतु नित्य व्यवहित सामग्री आने चेस्टा करी वर्षा 17 तारीख आज जब वर्षा बढ़े कि वर्षा अधिक हुए तो एक प्रकार विच्छिन्न हो रही है शिकवाड़ी गाँव लोक तितली बात्यारु ब्रिजटी दुर्बल हो सहित एक साइट भांगी मत जाता ये नहीं गाँव लोक बारंबार सरपंच आरंभ कर वीडियो पर्यंत अभियोग करते कि समस्या को अणदेखा कर चलते जहाँफल आज सामान्य वर्षार ब्रिजटी धोई जाइए जहाँफल गाँव लोक विच्छिन्न होकर रही। आम आज से गाँव में पहुँची गाँव रिथति परीक्षु केमी गाँव लोक अच्छा खाऊँ कौन केमी बजार जाऊँ मेडिकल को केमी जाऊँ पेसेंट ये नहीं कथु ग्रामवासी कहते जे बर्तमान जेहेतु वर्षा कमी से मैंने नई अंटे पाने से पशि जावासिया करने को चेषा करपर कि पाने तो स्कूल जाए बंद हो जाए कहे चले कहीं पिला नाल भितर नई भितर पुरे नाटा टी कठिनता भयंकर जहाँपाई से गाँव में बर्तमान जलबंदी बंद अवस्था रही रही जाइंट सरकार जिते योजना रोच बारंबार अभियोग गाँव लोक कर खूब कम पैसा रही तो ब्रिज हो पार रिपेयरिंग हो पार्ता जहाँ को वीडियो मैंने अणदेखा कर आज ये परिस्थिति में पहुंच तेणु आप देखुए गाँव जीरो में अवस्था कौन रही गाँव रवस्था कौन रही मैंने गाँव में जो कहते उन्नयनमूलक काम होमती हो अनुमान करेंगे आगे रही पंचायत इलेक्शन यही पंचायत निर्वाचन आसे गाँव को जो मैंने नेता मैंने आसवे कौन कह गाँव को लोक को कौन कह भोट मागे दीर्घ जदि तीन वर्ष चार वर्ष धरी क्रमगत भाव मैंने अभियोग कले पे गाँव में कम हो पार ना आगामी निर्वाचन में कौन प्रतिश्रुति नेता भाव कह ढेकाण सान षाठीवाटिया अंचल जलाशय जमीर किसम पर किसी अधिकारी और जमी माफिया गिरफ्तार विभिन्न स्थान रे जलाशय जमी को किपरि परिवर्तन करा जाइछि तहार अभियोग जिला प्रशासन निकट रे पहुँचुची। जिला प्रशासन निकट रे पहुँचा पर प्रशासन तरफ विभिन्न स्थान रे एही घटनार अनुसंधान आरंभ करा जाइछि। ढेंकानाळ सहर प्रसिद्ध
गोड़ी पोखरी जहाँ को कि पोती दि जा परवर्त समय घरबारी को परिवर्तन करा ए संपर्क में निर्दिष्ट भाव में अंचलवासी आसी जिलापा निकट अभियोग करते अभियोग पाइबा पर जिलापा ढेकाना तहसिलदार और सदर आरआई को यार तदंत निर्देश देते से अनुजाई तहसिलदार और आरआई निजे घटनास्थल परिदर्शन करटन अनुसंधान आरंभ कर तेबे अनुसंधान पर जना पड़िव किभली एवं केउपरी ढंग से यही जलाशय को घरबारी परिवर्तन करा ए संपर्क में कौन कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिलापा रिपोर्ट देवा परे जना पड़िव निश्चित भाव उत्तर बालेश्वर दुई प्रमुख नदी सुवर्णरेखा एवं जलकारी बन्या कमी जलस्तर कमी तोलिया अंचल पानी जमी रही एबे से सबु अंचल लोकंकर दुर्दशा बढ़ी विशेषकर सुवर्णरेखा नदी बन्या जगु भोगराई एवं बालियापाल तोलिया अंचल पाखापाखी 17 पंचायत रे पानी जमी रही लक्षाधिक लोक एबे पानी घेर रे अछंती पश्चिमबंगर उद्वृत्त पानी वर्षा जल एवं सुवर्णरेखार बन्या जल एकत्रित होई तोलिया अंचल रे जमी रही नाळ महानाळ गुड़िक ठीक समय रे सफा होइ नथिबारु ये पानी गुड़िक दीर्घ दिन पर्यंत जमी रहिबो बोली जहां आशंका करा जाउछि फळरे बालियापाल ब्लॉक रो 6 गोटी पंचायत रो 30 गाँ एवं भगराई ब्लॉक रो पखापखी 20 पंचायत रो 60 गाँ एबे पानी घेर रे अर्थात जलबंदी भाव रही लोक माने नाई नथिबा असुविधा भोग करुचंती केवल सरकारी एवं निजस्व नौका सेमानंकर सहारा बनी तेबे प्रशासन तरफ थैथान एवं उद्धार कार्य तथा रिलीफ कार्य एबे त्वरान्वित भाव चली तेबे तोलिया अंचल संपूर्ण भाव जल निष्कासन होगाको आहुरी 3-4 दिन लगे से चाष संपूर्ण भाव नष्ट जहाँ जनापड़ी तेबे केबे ए सबुर समाधान हबो ताहा अंचलवासी एबे चाहि बसछन पशुपक्षी मानक चिकित्सा जोगेदेवा निमंते सरकार तरफ निर्माण कर प्राणीधन सहायक केन्द्र हेले ये सहायक केन्द्र गुड़िक अनेक समय ताला पड़ता लक्ष्य कराई एक घटना देखा मिली भद्रक जिला चांदबाली ब्लॉक घंटेश्वर प्राणीधन सहायक केन्द्र तेज ये केन्द्रटी दीर्घ वर्ष धरी ताला पड़ी कारण यही केन्द्रटी एवं अर्धभग्न अवस्था अनेक समय छातु पा गलु जहाँ फल केन्द्र सहायक से चिकित्सा करने को भयभीत कर गाँ गाँ बुले से चिकित्सा करुवा बेले अनेक समय बंद पड़ुव जो गृहपात पशु मान चिकित्सा निम्न स्थानीय बासिंदा मैंने हईराण शिकार होती यही प्राणीधन केन्द्र उपर तोटापड़ा खदा पोखरी ये 4 पंचायत लोक निर्भर करते तुरंत मरामति दाबी कर आनंदपुर ब्लॉक बाउंसगड़ पंचायत जंगीरा गाँ को रास्तार दुरावस्थापी एथन ग्रामवासी मैंने मुख्यमंत्री को ट्वीट कर जन मुख्यमंत्री विभाग तदंत निर्देश आसला बेले विभाग अधिकारी मैंने अफिश्रे बस तदंत सारी रास्तार किसी खराब होने वर्षा जो रास्ता नष्ट तदंतर रिपोर्ट जनईले जहाँफल यह जमापड़ा बेले ग्रामवासी मैंने उत्त्यक्त होते ए पुंगखानुपुंख तदंत करने ग्रामवासी मैंने आनंदपुर उपजिलापा द्वारस्थ होती को भली भावरे क्यों परिस्थितिरे एवं कहा चापरे विभागीय अधिकारी माने एभली ऑफिसरे बसी रिपोर्ट कले प्रकृत घटनास्थल को नदेखि काहेकि रिपोर्ट कले एने दाबी करा जाय संपृक्त अधिकारी विरुद्ध मध्य कार्यानुष्ठान ग्रहण करिया पई ग्रामवासी माने दाबी करिछंती दीर्घ दिन हम यही जंघार ग्राम को थिबा रास्ता दुरावस्था जो नाना असुविधा सम्मुखीन होउथिले ग्रामवासी माने एपरिक जरूरकालीन सेवा गाड़ी गाँ को सठिक समय पहुँची पार ना एथन ग्रामवासी मैंने एकजुट हो ट्विट कर जन किंतु तदंत नक विभाग अधिकारी भूल रिपोर्ट देले जहाँफल ग्रामवासी मैंने
ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରି ଗ୍ରାମ ରାସ୍ତାକୁ କିପରି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସଜାଡ଼ି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପାରଲରେ ଆସିଥିବା ଜଣେ କଏଦୀ ଜେଲ୍ ଫେରିବା ଦିନ ସକାଳୁ ତାର ମୃତଦେହ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ମୁଖ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗା ବରାହିପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ। ତେବେ ମୃତ କଏଦୀ ଜଣକ ହେଲେ ବରାହିପୁର ଗାଁର ରାଜକିଶୋର ନାୟକ। ସେ 2008 ମସିହା ବୋମାମାଡ଼ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ରେ ଆଜୀବନ କଏଦୀ ଭାବେ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ। ଗତ ମେ ମାସରେ ସେ ପାରଲରେ ନିଜ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କ ପାରଲ ଅବଧି ଶେଷ ହେଉଥିଲା, ସେ ଆଜି ଜେଲ୍କୁ ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଜକିଶୋର କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିବା ପରେ ପୋଲିସ ଏବେ ଖୋଳତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମାହାଙ୍ଗା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଥମେ ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପାଇଁ ପଠାଇଛି ଏବଂ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ମାହାଙ୍ଗା ପୋଲିସ କହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜକିଶୋରଙ୍କ ମୃତଦେହ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପରିବାର ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର କଲା ପରେ ପରିବାରରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି 30 ଜିଲ୍ଲା 30 ରିପୋର୍ଟରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।